आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखम हैरोत्रा। बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत के एथलीट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी खिलाड़ियों से चर्चा की। केवल खिलाड़ी ही नहीं बल्कि कोच और सपोर्ट स्टाफ से भी चर्चा की। देखिए ये रिपोर्ट। पीएम मोदी ने दिया खिलाड़ियों को जीत का मंत्र। कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले एथलीट्स का बढ़ाया हौसला। पूरे दमखम से खेलने के लिए किया प्रोत्साहित। 65 से ज्यादा एथलीट्स इस बार लेंगे हिस्सा। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां के प्रधानमंत्री वहां के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हो, चाहे वो मेडल जीते या ना जीते। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि वो किसी भी बड़े इवेंट से पहले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं और उनका हौसला बढ़ाते हैं। 28 जुलाई को जिस दिन बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम शुरू होंगे, उसी दिन तमिलनाडु के महाबलीपुरम में चेस ओलंपियाड की शुरुआत होगी। यानी आने वाले 10-15 दिन भारत के खिलाड़ियों के पास अपना दमखम दिखाने का, दुनिया पर छा जाने का एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। मैं देश के प्रत्येक खिलाड़ी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे में बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम 2022 से पहले हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत के एथलीट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी खिलाड़ियों से चर्चा की। किसी भी चुनौती के सामने पस्त न होना, निरंतर गतिमान रहना, अपने लक्ष्य के लिए समर्पित रहने का नाम ही खिलाड़ी होता है। इसलिए जो पहली बार बड़े अंतर्राष्ट्रीय मैदान पर उतर रहे हैं, उनसे मैं कहूंगा कि मैदान बदला है, माहौल भी बदला होगा, लेकिन आपका मिजाज नहीं बदला है, आपकी जिद नहीं बदली है। लक्ष्य वही है कि तिरंगे को लहराता देखना है, राष्ट्रगान की धुन को बजते सुनना है। इसलिए दबाव नहीं लेना है, अच्छे और दमदार खेल में अपना प्रभाव छोड़ करके आना है। आप ऐसे समय में कॉमनवेल्थ खेलों में जा रहे हैं जब देश आजादी के 75 वर्ष मना रहा है। इसी अवसर पर आप श्रेष्ठ प्रदर्शन का तोहफा देश को देंगे। इस लक्ष्य के साथ जब मैदान में उतरेंगे तो सामने कौन है इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। केवल खिलाड़ी ही नहीं बल्कि कोच और स्पोर्ट्स स्टार भी इस चर्चा का हिस्सा बने। दरअसल पीएम मोदी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसलिए बात की क्योंकि कुछ खिलाड़ी फिलहाल वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने के लिए ओरेगन में हैं, तो बाकी सभी अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त हैं। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से कहा, आने वाले 15 दिन खिलाड़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जोरों शोरों से सभी खिलाड़ियों को पूरे दमखम के साथ तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। गौरतलब है कि कॉमनवेल्थ खेलों की शुरुआत 28 जुलाई से होने जा रही है। सबसे दिलचस्प ये है कि इस बार महिला क्रिकेटर्स को भी इसमें शामिल किया गया है। टूर्नामेंट का समापन 8 अगस्त को होगा और इसी दिन चेस ओलंपियाड भी शुरू हो रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस बार कॉमनवेल्थ गेम की बात करें तो भारत की तरफ से 217 एथलीट भाग लेंगे।
जिसमें से 65 एथलीट ऐसे हैं जो पहली बार इस गेम में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी ने इन एथलीटों को खास तौर पर शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट प्राइम टीवी। बर्मिंघम में होने वाला कॉमनवेल्थ गेम इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी एथलीट्स को प्रेरित किया है, उत्साहित किया है और देश के लिए मेडल लाने के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।